नमस्कार, जय श्री राम। मैं तुकाराम चव्हाण आपके लिए लेकर आया हूँ त्राटक योग विज्ञान। आइए तो हम जानते हैं क्या है उसका विज्ञान, देखते हैं। आमतौर पर त्राटक का सामान्य अर्थ माना जाता है कि किसी विशेष दृष्टि को टकटकी लगाकर देखना। मन की चंचलता को शांत करने के लिए साधक इसे करता है। ऐसा माना जाता है कि जब हम किसी खास वस्तु पर अपनी निगाहें टिकाते हैं तो शरीर को हिलाए बिना ही मन स्थिर हो जाता है। कुल मिलाकर यह इधर उधर भटकने वाले मन को एकाग्र और शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है। जो आपकी नकारात्मक सोच का मुकाबला करने, मस्तिष्क के काम करने की क्षमता में सुधार लिए जाना जाता है। तो आइए जानते हैं हम योग में त्राटक कैसे करें। योग शास्त्र का मानना है कि त्राटक के सज जाने से योगाभ्यासी का तीसरा नेत्र खुल जाता है। आमतौर पर इस क्रिया को दीपक को माध्यम बनाकर किया जाता है। अगर आप शुरुआती में प्रयास कर रहे हो तो आप किसी एक बिंदु को देख सकते हैं और प्रयास कर सकते हैं। कंधे की सीध में 3 फीट की दूरी पर दीपक जलाकर रखा जाता है और 30 सेकंड देखने और 1 मिनट ध्यान करने का क्रम बार बार दोहराया जाता है। त्राटक किसका अंग है? त्राटक योग ध्यान का एक रूप है जिसे एकाग्र दृष्टि के रूप में भी जाना जाता है। त्राटक मूल रूप से षटकर्म का भाग है। यह आंतरिक अंगों को शुद्ध करने के लिए उपयोगी है। त्राटक क्रिया से क्या लाभ है? त्राटक से नेत्र के सभी विकार, थकान एवं सुस्ती दूर होती है। यह आंखों को साफ और चमकदार बनाता है। नेत्र विकारों की चिकित्सा में यह उपयोगी है। यह आंख की सुस्ती को दूर करने में मददगार है। यह आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करती है एवं मस्तिष्क के विकास में लाभकारी होती है तथा यह आंतरिक ज्योति को प्रज्वलित करती है। यह स्मृति एवं एकाग्रता बढ़ाती है। इसके अभ्यास को अल्फा तरंगे बढ़ाती है। इनके अभ्यास से अल्फा तरंगे बढ़ती है जो मस्तिष्क के विश्राम अवस्था में होने का संकेत है। इस अवस्था में मस्तिष्क के निश्चित भाग का काम करना बंद कर देते हैं तथा मस्तिष्क की प्रक्रियाएं रुक जाती है। इस प्रकार मस्तिष्क को अत्यावश्यक विश्राम प्राप्त होता है। त्राटक का अभ्यास किसे नहीं करना चाहिए? यह व्यायाम मानसिक समस्या वालों लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। जिन लोगों में सिजोफ्रेनिया या मतिभ्रम की प्रवृत्ति हो उन्हें त्राटक का अभ्यास कदाई नहीं करना चाहिए। तो त्राटक की एक क्रिया हमें कितने दिन करनी चाहिए? बिंदु त्राटक सिद्ध करने के बाद किसी भी एक त्राटक का अभ्यास शुरू करिए। उसे सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी त्राटक का अभ्यास कम से कम 4 महीने तक करना चाहिए, तभी पूर्ण सिद्धि मिलती है।